माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान के कई नामी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की योजना की खबर शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। हाल ही में CBSE ने राजस्थान और दिल्ली के 27 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान उन्हें कई मुद्दे सामने आए थे। इनमें से एक प्रमुख मुद्दा डमी कैंडिडेट का था। डमी कैंडिडेट का तात्पर्य उन छात्रों के नामांकन से जिनका वास्तविक रूप से स्कूल में कोई शैक्षणिक या शारीरिक उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन स्कूल अपने छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए नामों का प्रयोग करता है। CBSE के इस निरीक्षण का उद्देश्य इस तरह की अनियमितताओं को रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी स्कूलों द्वारा मानक और नियमों का पालन किया जा रहा है। डमी नामांकन एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि ये शैक्षणिक व्यवस्था की ईमानदारी और गुणवत्ता को प्रभावित करता है और इससे छात्रों की वास्तविक संख्या और उनकी ज़रूरत सही ढंग से नहीं समझी जा सकती है। इस प्रकार की कार्यवाही से स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा प्रणाली में सभी नियमों और मानकों का पालन हो। राजस्थान के इन 5 स्कूलों में हो रहे घपले, CBSE का बड़ा एक्शन। CBSE ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। राजस्थान के इन CBSE स्कूलों को भेजा गया है नोटिस। डमी एनरोलमेंट पर 27 स्कूलों को CBSE का नोटिस। नियमों का उल्लंघन कर रहे थे स्कूल, लिस्ट हुई जारी। राजस्थान के इन स्कूलों में विद्या भारती पब्लिक स्कूल, सीकर प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर, शिव ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा का नाम शामिल है। इसके अलावा LBS कॉन्वेंट स्कूल कोटा और लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल कोटा का नाम भी शामिल है। इन सभी स्कूलों के साथ दिल्ली के सभी स्कूलों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्कूलों के अटेंडेंस रिकॉर्ड में गड़बड़ियां पाई गई। कुछ स्कूलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है जो छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता करता है।